आपने कई न्यूज़पेपर और किताबों में पढ़ा होगा कि स्पेस में जाने वाला पहला डॉग बड़ा खुश नसीब था जिसे पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। लेकिन इस डॉग की इतनी भयानक और दर्दनाक मौत हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल सोवियत यूनियन ने जो आज का रशिया है उसने अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए मात्र 14 दिन में स्पेस क्राफ्ट बना के तैयार कर दिया जिसमें एक डॉग को बिठाकर स्पेस के अंधकार में छोड़ना था। इसलिए एक स्ट्रीट डॉग चुना गया क्योंकि हर परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। और ये डॉग थी लाइका जो मात्र 2 साल की थी जिसे मॉस्को की गलियों से उठा लिया गया और उठाने के बाद लाइका को एक छोटे केज में 20 दिन रखा गया जहाँ पर इसे ट्रेन किया गया। लेकिन सभी को मालूम था ये फीमेल डॉग बचने वाली नहीं है क्योंकि उस समय इंसान स्पेस में जा तो सकते थे लेकिन आना नहीं जानते थे। यानी एक सुसाइड मिशन था लेकिन अंतर यह था कि लाइका को मालूम ही नहीं था वो कुछ दिनों बाद मरने वाली है। अंत में 3 नवंबर 1957 में नायिका के नाक को चूमकर अलविदा कह दिया गया। जैसे ही नायिका का रॉकेट लॉन्च हुआ तो अचानक उसमें गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और 3 घंटे नायिका उसी गर्मी में तड़पती रही और 5 घंटे बाद उसके दिल की धड़कन बिल्कुल रुक गई।